नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेति। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश और विदेश की मुख्य खबरों के साथ। सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उनके साथ मुकेश अग्निहोत्री भी दोपहर 1:30 बजे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। शिमला के रिज मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा का दौरा करने वाले हैं। अपनी यात्रा के दौरान वो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन सत्र में भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी रविवार को गोवा में विश्व आयुर्वेद महासम्मेलन के दौरान देश को 3 नेशनल आयुष इंस्टीट्यूट का तोहफा देने जा रहे हैं। भारत ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में बांग्लादेश को 227 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही वो सीरीज में क्लीन स्वीप होने से बच गया। बांग्लादेश ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। चक्रवाती तूफान मेंडूज ने तमिलनाडु में जमकर तबाही मचाई है। इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट और उत्तरी तटीय तमिलनाडु में भारी बारिश हुई है। वहीं तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मेंडूज तूफान के गुजरने का असर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और आसपास के जिलों में भी देखने को मिला है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन में शनिवार देर रात को चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच हुआ, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस और इंग्लैंड के बीच रोमांचक जंग देखने को मिली। मैच में फ्रांस ने शानदार अंदाज में 2-1 से मैच जीतकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। अब उसका मुकाबला मोरक्को से होगा। केनिया में मारे गए पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की मां ने पाक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में दावा किया कि अरशद शरीफ की केनिया में सोची समझी हत्या हुई थी। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी सेना के पूर्व प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम समेत कई दूसरे सैन्य अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की मांग की है। रूस यूक्रेन युद्ध 10 महीने के बाद भी अब तक नहीं थमा है। इस जंग में जहां एक और हजारों लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं लाखों लोग बेघर हो गए हैं। दुनिया भर में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की निंदा की गई है। इसी बीच पोप फ्रांसिस यूक्रेन की स्थिति पर बात करते हुए भावुक और रोते हुए दिखे। नए साल में कानपुर लखनऊ हाईवे पर सफर सुरक्षित और आसान होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क पर डामर की नई परत बिछाने के साथ ही अवैध कट बंद कराएगा। इसकी प्रक्रिया चल रही है और 1 महीने के बाद जनवरी के अंत में काम शुरू कराने की तैयारी है। तो फिलहाल सुबह की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।